अटैक को क्या लेना देना, सुंदरता को, ताली को, अटैक को क्या लेना देना। तो हिंदुस्तान में ईमानदारी से ताली कौन बजाता है? मासी। मासी खटाखट दीपावली पे आएगी लाख हजार नहीं खटाखट बजाती है। आज तक इतनी मासी को अटैक आया क्या? चेक करो, बिल मैं भर दूंगा। हॉस्पिटल में ले जाके उसकी बाईपास करवाई है, सर इतनी मासी नहीं मिली। और मासी के चेहरे पे इतनी ग्लो थी, इतनी ग्लो थी कि बेचारे बच्चे पीछे पीछे जाते बाइक लेके, और बाद में समझ में आता है रॉन्ग नंबर आ गया। तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हो तो ये जन्म में आपको 5 लाख ताली बजाने का मौका दिया है भगवान। और कंपनी के साथ काम स्टार्ट किया, अब 7.5 लाख लोगों ने कंपनी को चेक कर लिया, तो आपको जरूरत है क्या? नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। ऑलरेडी 7.5 लाख लोगों ने चेक कर लिया कंपनी के साथ जुड़, और वो 7.5 लाख लोगों में चेक करते करते 10 लोग कितने अब तक 9 होता करोड़ कमा निकल जाती है। लोग 4 साल 4.5 साल में करोड़ से अधिक कमाए। देखना चाहते हो उन लोगों को परिचय करवाओ तो पहला जो करोड़पति भरत जी डाबी कटलाल रोड पे छपड़ो रिक्शा चलाते थे, क्या व्हीलर छपड़ो रिक्शा चलाते चलाते आप 2 करोड़ से अधिक कमाए तो बढ़िया है या नहीं? छपड़ो रिक्शा मतलब आप समझ सकते हो कौन से कैटेगरी कैटेगरी समझ सकते हो। अगर वो इंसान 2 करोड़ कमा सकते तो हम कमा सकते या नहीं? फिर भी दम नहीं निकलता। चलो मैं और आगे बताऊं, आपका यूपी का यूपी के कितने लोग हैं? आपका यूपी का बंदा यहाँ आके यूपी से यहाँ आता है तो पहले क्या करता है? नौकरी। क्या पानी पूरी की थाली पूरी सब बोली क्या पहले पानी पूरी की थाली, क्योंकि लोग भैया बोलते हैं उसमें खुशी मिलती है। वहां से शुरुआत किया कैरियर का। हंस क्यों रहे यार? यहाँ से बाहर जाए एचपी पेट्रोल पंप, वहां से निकलता है तो नौकरी में जाता है। पेट्रोल पंप प्रमोशन हुआ, 8,000 का पेट्रोल पंप में जॉब करने वाला बंदा आज नीलेश शर्मा 2.5 करोड़। वैसे यहाँ मौजूद है लाली भाई देसाई, गलती से पूछते हैं क्या टूथपेस्ट लिया पसंद पड़ा, बिजनेस देखने के लिए ऑफिस लेके आए, और बिजनेस देखने के बाद बिजनेस को पूरा समझ में आया, बाकी का वही बताएगा। पर टोटल इनकम कितना हुआ? 5 करोड़। अरे भाई 4.5 करोड़ ऐसा मत बोलो, फिक्शन बोलो। 4 लाख हर महीना 10 से 15 लाख के बीच में, हर महीना समझ में आ रहा है। ये 3 करोड़ उनको जो बिजनेस में लाया वो लाइट बिल बनाता था उनके घर का, जीबी में लाइट बिल वाला आता है वो जी भी। वो भी इनकी वजह से 2 करोड़ से ऊपर इनकम किया। रोहित बेल्दा 1.25 करोड़, फरजान अब्बास जुहापुरा से अहमदाबाद से हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस शुरू किया 1.35 करोड़। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी लास्ट जो 10वां करोड़पति बना उसका नाम मालूम है किसको भी? क्या नाम है? शैलेश चावड़ा, जो आनंद से उन्होंने भी करोड़ क्रॉस किया, दीपावली के बाद उसका सेलिब्रेशन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शैलेश गोस्वामी, ऐसे 10 लोग ये बिजनेस से करोड़पति बने। अगर 10 लोग करोड़पति बन सकते, 50 लाख कमाने वाले 25 से अधिक है, तो जो 50 लाख को क्रॉस कर गए, 50 लाख को क्रॉस कर गए, ऐसे 25 से अधिक है। 25 लाख कमाने वाले 80 से अधिक है, 25 लाख से ऊपर वाले, जिसमें अभी रिसेंटली 50 लाख क्रॉस करने जा रही है मेरी नडियाद से, क्या नाम है, भारती मैडम, जिन्होंने घर से बिजनेस शुरू किया था,
मिले 20-25 हजार मिल जाए तो बस वो सोच के साथ बिजनेस का शुरुआत किया। अभी लास्ट थोड़े ही दिन में दीपावली से पहले वो 50 लाख को क्रॉस कर लिया। लखपति चैलेंज करता हूं कि इंडिया का कोई भी कंपनी ले लो, मेरा हर 10 मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। yes, तो मैं डिफरेंट ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है कि जहां से लोगों ने अच्छे पैसे कमाए। 1300 से अधिक लोग आज लखपति हुए, 850 लोग, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ऐसे 850 लोग जिंदगी में कभी बाइक नहीं सोचा था, वो लोग आज खुद का फोर व्हीलर लेके घूम सकते हैं। नहीं घूम सकते यशियानो? अरे सर बताओ करना क्या है? अब तो ये बात आ गई यशियानो, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है काम। इसे 3500 से ज्यादा तो कंपनी में पेंशन ले रहे, रॉयल्टी अच्छी है, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल कंपनी ने बनाया हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सर हमें करना क्या है? बहुत सिंपल काम करना है। मैं पूछता हूँ आप ब्रश करते हो? साबुन यूज करते हो? शैम्पू यूज करते हो? कहीं ना कहीं हेल्थ का प्रोडक्ट यूज करते हो? डायबिटीज का गोलियां खाते हो? कुछ ना कुछ तो करते हो। यस या नो? वो कहां से लाते हो? दुकान से लाते हो? खाली दुकान बदलने से पैसा आएगा तो चलेगा? शायद वहां डिस्काउंट मिलेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ 1000 से 4000 रोज आए वो अच्छा है या डिस्काउंट अच्छा? आवाज नहीं आया क्या? अच्छा है। यहाँ 4 तरीके का है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ्री है। क्या है? रजिस्ट्रेशन फ्री है, मतलब ये आप कौन हो? रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड कंपनी दे देती है। मतलब आप यहाँ आते हो तो आपका जो कोई इनवाइट है उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन फ्री कर पाते। अब फ्री में इनकम आती है क्या? नो। आती है क्या? नहीं। जवाब अगर नहीं आती, फ्री में इनकम आती है? नहीं है। यहाँ 4 तरीके का एंट्री है। पहला एंट्री है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड। मैं पूछता हूँ सिल्वर मतलब क्या? गुजराती में हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदी। इससे महंगा क्या होता है? गोल्ड। उससे महंगा? प्लेटिनम। और उससे महंगा? डायमंड। चलो सिल्वर का वैल्यू 250, कितना पीवी? 250। अब पीवी क्या है? अब सवाल यह आता है हर देश का करेंसी को मैच करने प्रोडक्ट वैल्यू बनाया है। पीवी मतलब यहाँ 1100 से 1500 का सामान लेना है, कितना? 1100 से। और इधर कितना मिलता है रोज का? तो महीने का कितना हो? 30,000 कमाने के लिए एमबीए बनना पड़ता है? हाँ, इतनी पढ़ाई करो जब 30,000 आता है। खर्चा कितना लगता है? 1500-2000। यहाँ कितने का सामान लिया? 1100 से 1500। जितना पैसा दिया उतने पैसे का कंपनी ने सामान दे दिया, तो इन्वेस्टमेंट क्या? जीरो। और महीने का कमाई? 20,000। चलो ठीक है आगे बढ़ते। थोड़ा ज्यादा कमाना है क्या? यस। हाँ, तो इसीलिए तो आए सर 500 के लिए। कितना? 500 के लिए। जिसकी लागत है 1500 से 2500 तक, कितना? जिसमें दिन का कितना मिलता है? 2000। वेरी गुड। महीने का कितना हुआ? 6000। तीसरा एंट्री प्लेटिनम 750 के लिए से शुरू होता है, जिसकी लागत है 3500 से शुरुआत करो, 4200 तक का सामान ले लो, जिसमें रोज का कितना मिलता है? 3000। मतलब महीने का कितना हुआ? 90,000। और चौथा एंट्री है डायमंड, 1000 के लिए से शुरू होता है, कितने के लिए से? 1000। और जिसकी लागत है 4200 से शुरुआत होती है, 7000 तक खत्म होता है, और जिसमें दिन का कितना मिलता है? 4000। मैं आपसे पूछू 1000 लेना चाहिए या 4000? 4000। जितना पैसा दिया उतने पैसे का कंपनी ने सामान दे दिया, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जीरो। ये आपको राइट अभी समझ रहे हो? आपको मैं आपसे पूछू ऐसे भारत में कितने लोग हैं जिसको पैसे का जरूरत है? सभी। सबको है, मान लो पक्का सबको है पैसे का जरूरत। सब लोग अपना घर का सुख समृद्धि चाहते हैं, बीवी बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे, लीगल मोरल एथिकल अगर रास्ता मिले तो वो रास्ते पे चलने के लिए रेडी होते हैं। yes. आपका मोबाइल चेक करो तो 100 से अधिक कॉन्टेक्ट है। कितना? 100 से अधिक है या नहीं है? 100 से अधिक कॉन्टेक्ट है। उनको
खाली मीटिंग में लाके बिठा सकते हैं नहीं बिठा सकते हैं। ऐसा मीटिंग 100 जगह पे होता है, कितना 100 जगह पे पूरे महीने में होता है, अलग अलग राज्यों में। अभी एमपी में चल रहा है, इस बार ये 16 तारीख है, 16 तारीख में कड़ी में क्या पर है, जहाँ 800 से 1000 लोग रहेंगे। कितने भव्य सेलिब्रेशन है जो कमाए हुए, उनका पासिस नहीं मिलता, 150 का पास है पर पास नहीं मिल रहा है, ऐसा हालत है। तो वहाँ माहौल बड़ा रहने वाला है। आप खाली उसको लाके वहां क्या करना है, बिठाना है, क्या करना है, उतना कर सकते हैं नहीं कर सकते। और हर संडे मीटिंग होता है, माय डियर फ्रेंड, खाली आप 100 जन को मैसेज करो कि लीगल मोरल एथिकल पर डे 1000 कमाना है, 1000 से 4000 को प्लीज कॉन्टेक्ट। तो 100 में से 50 लोग आपसे पूछेंगे कि अरविंद है क्या, मनोभाई है क्या, जगदीश है क्या, पूछेगा या नहीं पूछेगा, 100% पूछेगा। उनमें से खाली 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने इंटरव्यू के साथ, जिसमें आगे जो कमाना चाहता है, ऐसा कि नथु खेरा इधर चलता नहीं है। 2 लोग सिलेक्ट किए, एग्जाम्पल में लेते हैं अरविंद, कौन लेते, अरविंद। अरविंद आएगा यूनिट 1 में, कहां पर आएगा, यूनिट 1। दूसरा बंदा जो सिलेक्ट किया वो आएगा यूनिट 3 को सिलेक्ट किया वो यूनिट 2। अरविंद बिपिन होना जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। 2 लोग आए, दोनों ने 1000-1000 पीली का सामान लिया, कितना पीली का, दोनों ने 1000-1000 पीली का सामान लिया, मतलब डायमंड एंट्री ली, क्या ली, डायमंड एंट्री दोनों ने ली। अब बहुत ध्यान से समझ लो, माल बेचना कोई गुनाह है क्या? पहले के जमाने में माल खरीदने के लिए लोग दुकान लगाते थे, वो गया जमाना, वो शटल वाला टीवी हो गया। ये टेक्नोलॉजी बदला, आपके पास मोबाइल आ गया, बिना तार आप बात कर सकते हैं, तो बिना तार भी बिजनेस कर सकते। ये 2 सामान बेचा, मतलब 9000 का एवरेज, 900-1000 का प्रोडक्ट आपकी वजह से सेल हुआ। यस।